वीडियो के नीचे दिए हुए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और जुट जाइए भोजपुरी वर्ल्ड न्यूज से और भोजपुरी के सारे छोट बड़ न्यूज से अपडेट रहिए। चलिए आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आपके चाहते तीनों सुपरस्टार एक साथ क्यों नहीं दिखे। जी हाँ भैया, आपको बताने जा रहा हूँ कि दिवाली और छठ पूजा पर सबसे ज्यादा शो होता है तीनों सुपरस्टार का। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, पवन सिंह जी दिल्ली मुंबई में स्टेज शो किए, खेसारी लाल यादव भी किए और साथ में दिनेश लाल यादव निरहुआ। लेकिन भैया कल एक स्पेशल शो था 23/10/2017 को पटना में, जिसमें बिग मैजिक गंगा चैनल द्वारा यह स्टेज शो किया गया था जय छठी माई के, जिसमें भोजपुरी के छोटे बड़े सिंगर से साथ साथ खेसारी लाल यादव निरहुआ और मनोज तिवारी आए थे। लेकिन पवन सिंह क्यों नहीं आए? जी हाँ भैया, जितने भी बार होता है बिग मैजिक गंगा चैनल पर, सावन का होता है, छठी माई का होता है, सब में सुपरस्टार पवन सिंह जी आते हैं, लेकिन कल क्यों नहीं आए? जी हाँ, तीनों सुपरस्टार को लोगों के मन में उमंग था। इससे पहले खबर थी कि तीनों सुपरस्टार एक साथ दिखाई देंगे बिग मैजिक गंगा चैनल पर। 23 तारीख का शो होगा जो कि 5 बजे 26 तारीख को प्रदर्शित किया जाएगा बिग मैजिक गंगा चैनल पर, लेकिन सुपरस्टार पवन सिंह कल नहीं आए। जी हाँ भैया, इसके मतलब थी कि एक जो उम्मीद था हमारा कि चलो इतने दिन बाद तीनों सुपरस्टार एक बार फिर दिखाई देंगे, वो उम्मीद टूट गई। लेकिन आप लोगों को निराश होने की कोई वजह नहीं है। आपको बताने जा रहा हूँ एक ऐसा खबर जिससे आप सुनकर खुश हो जाएंगे। जी हाँ भैया, आपको बता रहा हूँ कि बिग मैजिक गंगा चैनल पर ये शो 5 बजे 26 तारीख को प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें खेसारी लाल यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी, अमर पाली दुबे, काजल लगवानी, दीपक दिलदार, अनु दुबे, ऐसे बहुत से छोटे बड़े सिंगर हैं जो आपको इंटरटेन कराएंगे छठी मैया के शुभ अवसर पर, आप लोगों को इंटरटेन करेंगे। और जी हाँ भैया, और आपको एक स्पेशल न्यूज बताने जा रहा हूँ जहाँ पर आपके 2 स्टार देखने को मिलेंगे। जी हाँ, खेसारी लाल यादव निरहुआ को तो सारे लोग देख लेते हैं, पवन सिंह निरहुआ को सारे लोग देख लेते हैं, लेकिन मेन पॉइंट है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव कब मिलेंगे? जी हाँ भैया, तो एक खबर आ रही है भैया, बहुत 3 महीना पहले से ये खबर चल रही है कि 28 तारीख को, जी हाँ, इसी महीने 27 तारीख को या 28 तारीख को जहानाबाद में, जी हाँ भैया, ऐसा खबर आ रहा है कि खासतौर पर 27 तारीख को, जी हाँ, 27 अक्टूबर का एक शो है जिसमें आपको खेसारी लाल यादव और पवन सिंह पहली बार इतने दिनों बाद आपको एक साथ नजर आएंगे। जी हाँ भैया, इतने लड़ाई झगड़ा होने के बाद पहली बार 27 अक्टूबर को जहानाबाद में एक साथ नजर आने वाले हैं सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव, जिसमें सीमा सिंह, काजल नगवानी, सुबी शर्मा, भाई अंकुश राजा और यहाँ तक कि नाम है कि सपना चौधरी का, लेकिन सपना चौधरी का आना मुश्किल लग रहा है भैया, क्योंकि अभी बिग बॉक्स में वो व्यस्त है तो सपना चौधरी शायद ना आ पाए। लेकिन खेसारी लाल यादव और पवन सिंह का ये जो शो होने जा रहा है, देखिए इसमें सच्चाई कितनी है। लेकिन 3 महीना पहले से ये खबर चल रहा है कि जहानाबाद में 27 तारीख को सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव एक साथ शो करेंगे। तो देखिए 27 तारीख होने में बस 3 दिन बाकी है, 3 दिन बाद क्या यह शो हो रहा है, जैसे ही रिपोर्ट आएगा आप सबके बीच में लेकर आऊँगा। आप लोग निराश मत होइए, बिग मैजिक गंगा चैनल पर यही उम्मीद था कि तीनों सुपरस्टार शायद एक साथ आएंगे, लेकिन नहीं हुआ, वो भी कैंसिल हो गया, तीनों सुपरस्टार एक साथ नहीं आए। लेकिन उम्मीद है कि शायद 27 तारीख को खेसारी लाल यादव और पवन सिंह एक साथ स्टेज शो करें जहानाबाद में। तो देखिए क्या रिपोर्ट आ रहा है, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इस बात को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।